जय हिंद। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। छत्तीसगढ़ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा 2017 का हम क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। इसमें टोटल 150 प्रश्न पूछे गए थे और यह एग्जाम व्यापम द्वारा कंडक्ट कराया गया था। चलते हैं इन सारे प्रश्नों का मॉडल आंसर के अनुसार सही आंसर देखेंगे और किस टाइप के प्रश्न अभी 305 पदों पर भर्ती होने हैं जिसका ऑनलाइन अप्लाई इसी सप्ताह से स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलते हैं कैसा प्रश्न पूछा गया तो वो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है एग्रीकल्चर टॉपिक से, आपको दिख रहा होगा एग्रीकल्चर टॉपिक से सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है और यह प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई है। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, 1929 में हुआ था। अब दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये प्रश्न है कि हरित क्रांति के भारतीय पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। तो हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं भारत में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन और ओवरऑल नॉर्मल बोलरा को कहा जाता है पूरे भारत पूरे विश्व में, लेकिन भारत में पूछा हुआ है तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब तीसरा आ चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो चावल अनुसंधान है उसका मुख्यालय है तो वो है लास बैनस फिलीपींस। ठीक है, इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। इसका चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये प्रश्न है कि वर्तमान में, ये करेंट अफेयर के टॉपिक है तो करेंट अफेयर के टॉपिक तो इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन जब एग्जाम कंडक्ट होगा तो उस समय क्या करेंट अफेयर जुड़ा हुआ है इससे जुड़ा वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये पूछा है कि वर्तमान में निम्न में से किस रासायनिक उर्वरक को भारत में उत्पादन नहीं किया जाता एवं अन्य किया जाता है, क्यों निर्यात किया जाता है, सॉरी आयात किया जाता है, इससे मतलब आयात किया जाता है। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट का आयात किया जाता है, उत्पादन नहीं किया जाता, सी ऑप्शन इसका सही आंसर लिया गया है। अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान की स्थान किस स्थान पर एवं किस वर्ष हुई है। संस्थान की स्थापना किस स्थान पर हुई है और किस वर्ष हुई है ये पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका आंसर है सही ऑप्शन सी। ठीक है, बरौंदा रायपुर में हुआ है 2012 में। इसके बाद आया अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न कि हरित क्रांति शब्द को किसने गढ़ा था। हरित क्रांति शब्द को किसने गढ़ा था ये पूछा हुआ है, तो ये है विलियम गॉड, ये इन्होंने गढ़ा था हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन को और ओवरऑल पूरे विश्व में जनक कहे जाते हैं डॉक्टर नारायण बोराग, भारत में जनक कहे जाते हैं एम एस स्वामीनाथन। तो इससे अगर आप इस बार एग्जाम दिलाएंगे तो आप देखेंगे ही कि ये जो तीन प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है कि हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा है, पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, भारत में जनक कौन है, इन तीनों में से एक प्रश्न पूछा ही जाएगा, क्योंकि हरित क्रांति से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, जैसे कि हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से देखा गया था धान गेहूं दोनों दिया हुआ है, तो मुख्य रूप से देखा गया था इसमें धान और गेहूं दोनों के लिए। ठीक है, यहाँ पर सी आंसर सही लिया गया है। इसके बाद अगला आया हुआ है कि निम्न में से कौन सी अनाज की फसल नहीं है, इनमें से कौन सा अनाज का फसल नहीं है ये पूछा हुआ है, तो यहाँ पर जो है गेहूँ ये अनाज का फसल, सॉरी गेहूँ अनाज का फसल नहीं है, नहीं अनाज का फसल है पूछा हुआ है, हमने प्रश्न को पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक किया, अनाज का फसल इनमें से गेहूँ है, बाकी जो है वो अनाज का फसल नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, अगला प्रश्न है कि फैलारिस माइनर मुख्य खरपतवार है, तो जो फैलारिस माइनर मुख्य खरपतवार है तो किसका मुख्य खरपतवार है, तो यह है गेहूं का, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, देख सकते हैं, और दसवें प्रश्न पर भी हम आ चुके हैं। ये प्रश्न है, देख सकते हैं, ये प्रश्न है कि IGKVR, यहाँ पर लिखो IGKVR1 राजेश्वरी किस्म है। ठीक है, ये किसका किस्म है ये पूछा हुआ है और ये खेती से जुड़ा हुआ प्रश्न है और इसका सही आंसर है ये धान का एक किस्म है राजेश्वरी। ठीक है, धान का किस्म है। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये प्रश्न है कि मृदा स्वास्थ्य का केंद्र कौन सा है, मृदा स्वास्थ्य का केंद्र कौन सा है, तो इसका सही आंसर है मृदा जैविक कार्बन, ये इसी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके बाद आया हुआ है अगला कि भारतवर्ष में 2016-17 में कृषि
हेतु विषय है, कृषि हेतु यहाँ पर कट गया है इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं इनसे क्या है, लेकिन इसका सही आंसर है कम से ज़्यादा। ठीक है, कृषि वृद्धि दिया हुआ है, कृषि वृद्धि हेतु विषय है तो कम से ज़्यादा इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न आ चुका है 13वां प्रश्न की, ये चूंकि 2016-2017 में विज्ञापन निकाला गया था, अब 2023 में निकाला गया है तो 2023 में इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि 2014-15 में कुल खाद्यान्न उत्पादन क्या अनुमानित था, तो उस समय ये अनुमानित था 250 मिलियन टन। अब भारतवर्ष में इस वर्ष आप देखेंगे कि 2022-23 में कितना था और 21-22 में कितना था, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नीली क्रांति के पिता कहा जाता है, ठीक है, नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है मत्स्य पालन से। ठीक है, इसका संबंध में किससे है तो मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति, और इसके जो पिता है वो है डॉक्टर हीरालाल चौधरी। ठीक है, इसमें तो डॉक्टर नरमान हरित क्रांति के जनक हो जाते हैं, स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक बच जाते हैं, दो बचते हैं, दो में से आपको एक को मत्स्य पालन में रखना होगा, तो एक डॉक्टर हीरालाल चौधरी नीली क्रांति के जनक कहे जाते हैं, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला है कि निम्न में से किस उर्वरक को किसान खाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस उर्वरक को किसान खाद के नाम से जाना जाता है, तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर। हम जो मॉडल आंसर लिया गया है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती 2017 में, उसी के अनुसार यहाँ पर आंसर ले रहे हैं, हालांकि कई सारे आंसर को व्यापम गलत भी लेता है, और जो कि मानना ही पड़ता है चाहे गलत ले, क्योंकि इतने सारे विवाद होते जा रहे हैं CGPSC व्यापम में आंसर को लेकर और नियुक्ति को लेकर, लेकिन इसमें कई सारे क्वेश्चन को ही गलत छाप दिए रहते हैं। ये तो हमने 20 प्रश्न देख लिए एग्रीकल्चर के, अब आ चुका है एग्रोनॉमी के। ठीक है, एग्रोनॉमी के यहाँ पर आ चुका है, तो ये प्रश्न है कि सिंचाई हेतु बाण विधि का उपयोग किया जाता है कब किया जाता है। ठीक है, सिंचाई हेतु बाण विधि का उपयोग कब किया जाता है, तो इस विधि का प्रयोग कब किया जाता है, इसका सही आंसर है ए बी दोनों, अर्थात प्रक्षेत्र समतल हो, प्रचुर मात्रा में जल आसानी से उपलब्ध हो, तो बाण विधि का उपयोग किया जाता है। बाण विधि का उपयोग इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि पानी ज़्यादा मात्रा में है तो सीधे पलवन हम जिसे कहते हैं वो पलो देते हैं एक प्रकार के। 17वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और ये प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा लंबे समय तक यूरिया का उपयोग का प्रभाव है, यूरिया का उपयोग का प्रभाव है ये पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर है भूमि अम्लीय हो। ठीक है, यूरिया का उपयोग प्रभाव है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा कट गया है इस प्रकार इस तरफ का, तो हमें सही से नहीं दिख रहा है, लेकिन हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सरसों तथा तोरिया में डबल शून्य किस्म से तना है। ठीक है, किस्म से यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा आगे, लेकिन इसका सही आंसर आप समझ गए, सरसों और तोरिया में डबल शून्य किस्म का है, तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन की यूरिक अम्ल एवं ग्लाइकोलिक दोनों कम मात्रा में है। ठीक है, कौन सा कम मात्रा में है यह पूछा हुआ है। अगला है, यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न कि छत्तीसगढ़ की धान की एरोबिक किस्म कौन सा है, जो एरोबिक खेती की जाती है वो इनमें से कौन सा किस्म है छत्तीसगढ़ की, ये पूछा हुआ है, और इसका सही आंसर है इंदिरा एरोबिक 1। ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, निम्न में से कौन सा 2,4-D का संक्षिप्त नाम है, 2,4-D का संक्षिप्त नाम है, इसका अर्थ 2 का तो डाई हो जाएगा और 4 का यहाँ पर तो किसी में नहीं लिखा हुआ है, तो चलते हैं इसका सही आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर है 2,4-डाइक्लोफिनाक्सी एसिटिक एसिड, यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला है, किस फसल में मिट्टी चट्टान आवश्यक नहीं है। ठीक है, कौन सी फसल में मिट्टी चट्टान हमने पढ़ा था, मिट्टी चढ़ाना आवश्यक नहीं है किस फसल में, तो किस फसल में आवश्यक नहीं है, धान के फसल में मिट्टी चढ़ाना आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, बाकी जो गन्ना आलू और सूरजमुखी की खेती रहता है उसमें मिट्टी चढ़ाना आवश्यक रहता है। फसल को कब काटना चाहिए पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर है शारीरिक परिपक्वता पर। ठीक है, जब फसल पक जाएगा तो काटना चाहिए, वास्तविक परिपक्वता अधिक परिपक्वता उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर आप क्या लगाएंगे, ये ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ मधुराज पशुपन धान की किस किस्म की विशेषता है। ठीक है, इस धान की विशेषता क्या है, ठीक है, किस्म की विशेषता क्या है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है सी ऑप्शन,
कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, क्या कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला है 2500 प्रश्न की, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थापित हुआ था, जोधपुर में स्थापित कब हुआ था ये हमें बताना है, तो इसका सही आंसर है 1952 में, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मक्के की जड़ व्यवस्था में अस्थायी जड़ है, ठीक है, मक्के की जड़ व्यवस्था में अस्थायी जड़ है, तो इसका सही आंसर है अस्थायी जड़ होता है सेमिनल जड़, ठीक है, ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। समयबद्ध सिंचाई हेतु टेसियोमीटर का उपयोग पहले किया था, ठीक है, टेसियोमीटर का उपयोग पहले किया था, तो पहले किसने किया था टेसियोमीटर का उपयोग, तो इसका सही आंसर है रिचर्डसन ने किया था, ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। पत्तियों पर छिड़काव हेतु निम्न में से कौन सा उपयुक्त है, पत्तियों पर छिड़काव हेतु निम्न में से कौन सा उपयुक्त है, तो यूरिया, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला 2800 प्रश्न है कि अर्जिमोना मैक्सिकाना है ये क्या है, अर्जिमोना मैक्सिकाना क्या है, उत्पुटांक से प्रश्न है ये, और इसका सही आंसर है बी ऑप्शन है, एक बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, फैकल्टेटिव खरपतवार है ये, फैकल्टेटिव खरपतवार है। उसके बाद सही जोड़ी क्या आ चुका है कि सुगंधित धान में खुशबू का कारण निम्न में से किसकी उपस्थिति से होती है, ठीक है, जो सुगंधित धान होता है उसमें खुशबू आता है वो किसके कारण आता है ये पूछा हुआ है, इसका सही आंसर है टू एसिटाइल वन पायरेलिन, ठीक है, टू एसिटाइल वन पायरेलिन, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कांग्रेस घास है, ठीक है, कांग्रेस क्या है घास है, तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन पार्थेनियम हिस्टोरी फोरस, ठीक है, पार्थेनियम हिस्टोरी फोरस, ये कांग्रेस एक प्रकार का घास है, ये भी याद रखेंगे आप, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टी भी है कांग्रेस, और कुछ इस प्रकार से प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो 15 प्रश्न हमने देखे दो टॉपिक का, अब तीसरा टॉपिक आ चुका है वाटर मैनेजमेंट का, ठीक है, तीसरा टॉपिक क्या है वाटर मैनेजमेंट का, ये तीसरा टॉपिक क्या है, और ये प्रश्न है कि विशिष्ट उपज खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, विशिष्ट उपज खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है नालीदार छिद्रिलता, ये विशिष्ट उपज के रूप में जाना जाता है। ये वर्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न आ रहे हैं, अब वर्षा का क्षरण निम्न में से एक को छोड़कर सभी निर्भर करता है उस एक कारण की पहचान करें, इसका सही आंसर है मिट्टी का तापमान, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जल स्तर रिकॉर्डर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जल स्तर रिकॉर्डर का उपयोग कब किया जाता है यह पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर है धाराओं में जल स्तर का रिकॉर्डर का प्रयोग किया जाता है कि धारा कितना है। अगला है कि मूंगफली फसल में पानी की आवश्यकता होती है, मूंग फसल में पानी की आवश्यकता होती है 400 से 600 mm की आवश्यकता होती है, ए ऑप्शन सही है। 3500 प्रश्न है कि भारत में चावल और गेहूं के बाद सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र क्या है, कौन सी फसल है, चावल और गेहूं के बाद सबसे अधिक सिंचित कौन सी फसल है यह है, तो इसका सही आंसर है गन्ना, ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा राज्य है, ठीक है, भारत में सबसे अधिक सिंचित कौन सा राज्य है, तो पंजाब है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। छत्तीसगढ़ में गांव के टैंकों की संख्या अनुक्रम रूप में ये पूछा हुआ है, हालांकि गांव के टैंकों की संख्या ये पूछा हुआ है, थोड़ा सा उत्पुटांक से प्रश्न पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर हालांकि लिया हुआ है 1200 प्लस आंसर इसका आंसर लिया हुआ है। अगला है कि भारत में सिंचाई आयोग ने सिफारिश की थी, भारत में सिंचाई आयोग ने सिफारिश की थी कब की थी, तो ये सही आंसर है 1972 में की थी, यह ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। निम्न में से किस इकाई से सिंचाई को मापा जाता है, ठीक है, किस इकाई से सिंचाई को मापा जाता है, लीटर में, हेक्टेयर, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर लीटर में, ठीक है, सिंचाई की किस इकाई में तो कितने लीटर सिंचाई, ये इसका सही आंसर है, ये पानी को जब छोड़ा जाता है तो क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड में छोड़ा जाता है, ये रहेगा। इसके बाद आ जाता है कि मिट्टी की नमी को किससे नहीं मापा जाता, ठीक है, किससे नहीं मापा जाता ये पूछा हुआ है इस बार, तो इसका सही आंसर है न्यूट्रॉन मीटर से नहीं मापा जाता, बाकी भारात्मक विधि
जिप्सन ब्लॉक, साइक्रोमीटर, इन तीनों से मापा जाता है। 40 प्रश्न हमने देख लिए। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि ये है एग्रीकल्चर मीटियोरोलॉजी एंड क्रॉप फिजियोलॉजी। तो इसका देखते हैं क्या आंसर इसमें आते हैं। 40वां प्रश्न है कि शुष्कता सूचकांक इंगित करता है। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, सुखाई की कोटि को इंगित करता है। अगला है बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आमतौर पर किस अवधि के दौरान होता है। बंगाल में जो चक्रवात आता है वो आमतौर पर किस अवधि में होता है, तो यह होता है जुलाई अगस्त में लौटते हुए मानसून से होता है चक्रवात में बंगाल की खाड़ी में। इसी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक मौसम का खतरा नहीं है, इनमें से कौन सा एक जो है मौसम का खतरा नहीं है। अनावृष्टि मौसम का खतरा है, बाढ़ अनावृष्टि है, तुषार ये भी है, भूकंप जो है मौसम का खतरा नहीं है। डी ऑप्शन इसका आंसर लिया हुआ है। 44वां प्रश्न है कि बीज अंकुरण पर निर्भर रहता है, तापमान पर, हवा पर, वायुमंडलीय आर्द्रता, बीज के वजन पर। तो ये निर्भर रहता है तापमान पर, ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। श्वसन खाली स्थान होता है, ठीक है, दिन के दौरान, रात के दौरान, हमेशा, बादल भरे दिन में। ये थोड़े से कई सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा उटपुटांग हैं। श्वसन जो है हमेशा होते रहता है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फसल सूचकांक अनुपात होता है, ठीक है, फसल सूचकांक अनुपात होता है आर्थिक उपज से जैविक उपज का, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 47वां प्रश्न है कि ट्रोपोस्फीयर में ऊंचाई के साथ हवा की औसत गिरावट लेफ्ट रेट होती है, ठीक है, लेफ्ट रेट होती है, ये पूछ लिया गया है। तो इसका सही आंसर लिया हुआ है पहला ऑप्शन, 6.5 अंश सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली द्वारा निर्दिष्ट दाब की इकाई क्या होता है, दाब का इकाई क्या होता है, तो दाब का इकाई होता है पास्कल, ए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब आ चुका है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की अनुमानित दूरी है, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की अनुमानित दूरी कितना है, तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, 1500 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, 1500 मिलियन किलोमीटर है इसका सही आंसर डी ऑप्शन। 50वां प्रश्न आ चुका है कि कौन सी फसल आमतौर पर अधिक रंध्री प्रतिरोध दर्शाती है, अधिक रंध्री प्रतिरोध दर्शाती है, तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, ज्वार, ठीक है, क्या, ज्वार। अगला 50 प्रश्न का वीडियो का लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तीन टॉपिक को हमने हल किया है। यहाँ पर एक प्लेलिस्ट भी आ रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर बेस्ट वीडियो आ रहा होगा, यहाँ पर आपको अगला वीडियो का लिंक मिल जाएगा, इसको क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगला पार्ट को ले जाकर देख सकते हैं, ताकि एक साथ ज़्यादा लंबा ना हो, पूरे 150 प्रश्न को हम तीन भाग में यहाँ पर चलते हैं, हल करते हैं।